नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्री वासुदेवाय नमः, सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम नमः। अवे परीक्षित की मृत्यु का कारण श्री सेनक जी ने कहा, सुत नंदन, राजा जन्मेजय ने अंत की बात सुनकर अपने पिता परीक्षित की मृत्यु के संबंध में जो पूछताछ की थी उसका आप विस्तार से वर्णन कीजिए। उग्र समाज ने कहा, राजा जन्मेजय ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मेरे पिता के जीवन में कौन सी घटना घटित हुई थी, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई। मैं उनकी मृत्यु का वृतांत सुनकर वही करूंगा जिससे जगत का लाभ हो। मंत्रियों ने कहा, महाराज आपके पिता बड़े धर्मात्मा, उदार और प्रजापालक थे। हम बहुत संक्षेप में उनका चरित्र आपको सुनाते हैं। आपके धर्मग्न पिता मूर्तिमान धर्म थे। उन्होंने धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य पालन में संलग्न चारों वर्णों की प्रजा की रक्षा की थी। उसका पराक्रम अतुलनीय था। वे सारी पृथ्वी की ही रक्षा करते थे। उनका कोई देशी था और न वे किसी के देश करते थे। वे सबके प्रति समान दृष्टि रखते थे। उनके राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी प्रसन्नता के साथ अपने अपने कर्म में लगे रहते थे। विधवा, अनाथ, लंगड़े, लूले और गरीबों के खान पान का भार उन्होंने अपने ऊपर ले रखा था। उनकी प्रजा हट पुष्ट रहती थी। वे बड़े ही श्रीमान और सत्यवादी थे। उन्होंने कृपाचार्य से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान श्री कृष्ण आपके पिता के प्रति बड़ा प्रेम रखते थे। विशेष क्या वे सभी के प्रेम पात्र थे। कुरुवंश के परीक्षित होने पर उनका जन्म हुआ था, इसी से उनका नाम परीक्षित हुआ। वे राजधर्म और अर्थशास्त्र में बड़े कुशल थे। वे बड़े बुद्धिमान, धर्मसेवी, जितेंद्रिय और नीति निपुण थे। उन्होंने 60 वर्ष तक प्रजा का पालन किया। उसके बाद सारी प्रजा को दुखी करके वे परलोक सीधा गए। जब वह राज्य आपको प्राप्त हुआ है, जन्मेजय ने कहा, मंत्रियों आप लोगों ने मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं। हमारे वंश के सभी राजा अपने पूर्वजों के सदाचार का ध्यान रखकर प्रजा के हितसी और प्रिय होते आए हैं। मैं तो उनके पिता की मृत्यु का कारण जानना चाहता हूँ। मंत्रियों ने कहा, महाराज आपके प्रजापालक पिता महाराज पांडु की तरह ही शिकार के प्रेमी थे। उन्होंने सारा राज कार्य हम लोगों पर छोड़ रखा था। एक बार वे शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण से एक हरिन को मारा और उसके भागने पर उनका पीछा किया। वे अकेले ही पैदल बहुत दूर तक वन में हरिन को ढूंढते हुए चले गए, परंतु उसे पा नहीं पा सके। वे 60 वर्ष के ही चुके हैं, इसलिए थक गए और उन्हें भूख भी लग गई। उसी समय उन्हें एक मुनि का दर्शन हुआ। वे मुनि थे। उन्होंने उनसे प्रश्न किया, परंतु वे कुछ नहीं बोले। उस समय राजा भूखे और थके मांदे थे, इसलिए मुनि को कुछ न बोलते
देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने यह नहीं जाना कि यह मोहिनी मोनी है, इसलिए उनका तिरस्कार करने के लिए धनुष की नौकर से मरा सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। मुनि ने राजा के इस कृत्य पर भला बुरा कुछ नहीं की कहा। वे चुपचाप शांत भाव से बैठे रहे थे। राजा जियो के त्यों वहाँ से उल्टे पांव राजधानी में लौट गए। मुनि ऋषि श्रमिक के पुत्र का नाम था श्रृंगी। वह बड़ा तेजस्वी और शक्तिशाली था। जब महातेजस्वी श्रृंगी ने अपने सखा के मुंह से वह बात सुनी कि राजा परीक्षित ने मौन और निचल अवस्था में मेरे पिता का तिरस्कार किया है, तो वह क्रोध से आग बुला हो गया। उसने हाथ में जल लेकर आपके पिता को श्राप दिया, जिसने मेरे निरपराध पिता के कंधे पर मेरा मरा हुआ श्राप डाला दिया। उस दुष्ट को तक्षक नाग क्रोध करके अपने विष से 7 दिनों के भीतर ही जला देगा। लोग मेरी तपस्या का फल देखें। इस प्रकार श्राप देकर श्रृंगी अपने पिता के पास गया और सारी बात कह सुनाई। समीक मुनि ने यह सब सुनकर अच्छा नहीं समझा तथा आपके पिता के पास अपने सिलवान एवं गुणी शिष्य गोरमुख को भेजा। गोरमुख ने आकर आपके पिता से कहा, हमारे गुरुदेव ने आपके लिए यह संदेश भेजा है कि राजन, मेरे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है, आप सावधान हो जाइए। तक्षक अपने विष से 7 दिन के भीतर ही आपको जला देगा। आपके पिता सावधान हो गए। 7वें दिन जब तक्षक आ रहा था, तब उसने काश्यप नामक ब्राह्मण को देखा। उसने पूछा, ब्राह्मण देवता, आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? कश्यप ने कहा, यह जहाँ आज राजा परीक्षित को तक्षक सांप जलावेगा वही जा रहा हूँ। मैं उन्हें तुरंत जीवित कर दूंगा। मेरे पहुँचे जाने पर तो सर्प उन्हें जला भी नहीं सकेगा। तक्षक ने कहा, मैं ही तक्षक हूँ, आप मेरे डसने के बाद उस राजा को क्यों जीवित करना चाहते हैं? मेरी शक्ति देखिए, मेरे डंस के बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकेंगे। यह कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डंस लिया। उसी क्षण वह वृक्ष जलकर खाक हो गया। कश्यप ब्राह्मण ने अपनी विद्या के बल से उस वृक्ष को उसी समय हरा भरा कर दिया। तब तक्षक ब्राह्मण देवता को प्रबोधन देने लगा। उसने कहा, जो चाहो मुझसे ले लो। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो धन के लिए वहाँ जा रहा हूँ। तक्षक ने कहा, तुम उस राजा से इतना धन लेना चाहते हैं, मुझसे ले लो और यहीं से लौट जाओ। तक्षक के ऐसा कहने पर काश्यप ब्राह्मण मुँह मांगा धन लेकर लौट गए। उसके बाद तक्षक छल से आया और उसने आपके महल में बैठे एवं सावधान धार्मिक पिता को विष की आग से भस्म कर दिया। तदंतर आपका राज्याभिषेक संपन्न हुआ। वह कथा बड़ी दुख है, फिर भी आपकी आज्ञा से हमने सब सुना दिया है। तक्षक ने आपके पिता को डंसा है और कुंतक ऋषि को भी बहुत परेशान किया है। आप जैसा उचित समझे करें। जन्मजी ने कहा, मंत्रियों, तक्षक के डसने से वृक्ष का राख की ढेरी हो जाना और फिर उसका हरा हो जाना बड़े आश्चर्य की बात है। यह बात आप लोगों से किसने कही? अवश्य तक्षक ने बड़ा अनर्थ किया। यदि यह ब्राह्मण को धन देकर न लौटा देता तो
काश्यप मेरे पिता को भी जीवित कर देते। अच्छा, मैं उसको उनका दंड दूंगा। पहले आप लोग इस कथा का मूल तो बताइए। मंत्रियों ने कहा, महाराज, तक्षक ने जिस वृक्ष को डसा था उस पर पहले से ही एक मनुष्य सुखी लकड़ियों के लिए चढ़ा हुआ था। वह बात तक्षक और काश्यप दोनों में से किसी को मालूम न थी। तक्षक के डसने पर वृक्ष के साथ वह मनुष्य भी भस्म हो गया था। कश्यप के मंत्र प्रभाव से वृक्ष के साथ वह भी जीवित हो गया। तक्षक और काश्यप की बातचीत उसी ने सुनी थी और वहाँ से आकर हम लोगों को सूचित की थी। अब आप हम लोगों का देखा सुना जानकर जो उचित हो कीजिए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।